भूमि हम अपने किसानों को 2500 रुपये धान की प्रति क्विंटल दे रहे थे, केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पैसा नहीं दे सकती। हमने छत्तीसगढ़ में उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। उसको भी लगभग बोनस मानने जैसा छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उसको अतिरिक्त राशि ऐसा करके बयान देते हैं। तो हम लोगों ने नई योजना बनाई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमारा किसानों को इनपुट सपोर्ट के रूप में हम अपने किसानों को देते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 22 लाख किसानों को इस योजना का लाभ आगामी 21 मई को राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पहली किस्त फिर से इस साल दी जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ इस कोरोना काल में लगभग ये राशि 1500 करोड़ के आसपास होगी और किसानों के लिए ये सबसे बड़ा सौगात होगा। अब पिछली बार भी जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने शुरू किया था, गोधन न्याय योजना की जब लॉन्चिंग हुई थी, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल जी सीधे जुड़ करके छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ संवाद भी किए थे और संबोधन भी किए थे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और किसानों से सीधा रूबरू होंगे। लॉकडाउन PCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।